कम्युनिस्ट पार्टी के जिला शिमला सचिव संजय चौहान ने कहा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द कोई कदम उठाकर यूक्रेन व रूस सरकार से आधिकारिक रूप से बातचीत के माध्यम से वहां फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास करे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो युद्ध के चलते यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हैं उसको लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से मांग करती है कि कूटनीतिक कदम उठाते हुए जो है यूक्रेन व रूस की सरकार से बातचीत कर इन छात्रों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो है ठोस कदम उठाए जाए और इसके साथ साथ जो यूक्रेन में भारतीय दूतावास है उसको जो है सरकार तुरंत निर्देश दे जो भी छात्र चाहे वो बॉर्डर में या यूक्रेन के अन्य शहरों में जो फंसे हैं उनसे जो है संपर्क कर उनको मूलभूत आवश्यकताएं और उनको परिवहन की जो है वो तुरंत व्यवस्था करे ताकि उनको जो है वहां से सुरक्षित जो है बाहर निकाला जा सके और स्वदेश जो है वो वापस लाया जा सके। आप देखें यूक्रेन में 20,000 से अधिक छात्र जो है मेडिकल व अन्य पढ़ाई के लिए वहां पर रहते हैं और इनमें से आज भी जो है वो करीब 15,000 से अधिक छात्र अभी भी वहां पर जो है यूक्रेन के विभिन्न शहरों व बॉर्डरों में भारत वापस आने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं परंतु युद्ध की चलते जो है वो वहां से जो है उनको निकलना जो है असंभव हो रहा है और जिस प्रकार से आज कुछ छात्र जो है वो रोमानिया के बॉर्डर पर जो है वो फंसे पड़े हैं सरकार जो है दूतावास को आदेश देकर इनसे संपर्क करके जो है इनको वापस लाने के लिए जो है ठोस प्रयत्न जो है वो करे। आज जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध बढ़ता जा रहा है विशेष रूप में जो दो शहर यूक्रेन के हैं जिसमें खारकोव और कीव है वहां पर जो है भारी गोलाबारी हो रही है जिस प्रकार की सूचना वहां से आ रही है तो सरकार जो है वहां पर फंसे छात्रों को निकालने के लिए जो है तुरंत परिवहन का प्रबंध करे और दूतावास जो है उनको मूलभूत आवश्यकताएं जो है प्रदान करे। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के भी सैकड़ों छात्र जो है आज वहां पर फंसे हैं तो हम सरकार से मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से कि वो तुरंत जो है विदेश मंत्रालय से बात करे और वहां पर यूक्रेन के दूतावास से इन छात्रों के साथ संपर्क कर इनको जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाए और वहां से शीघ्र परिवहन जो है उपलब्ध करवाए ताकि उनको जो है हिमाचल प्रदेश वापस लाया जाए। सीपीएम का मानना है कि ये जो युद्ध की स्थिति जो पैदा हुई है जो ये युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन जो है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है वो कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से जो है वो बातचीत से जो है वो पहल करेंगे और इस युद्ध को समाप्त कर इस समस्या का हल जो है बातचीत के माध्यम से जो है वो करेंगे। सीपीएम ये जो प्रभावित छात्र हैं और इनके ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।